दुर्ग के पुलगांव कपड़ा मार्केट व्यापारियों के पक्ष में आया महत्वपूर्ण फैसला, जिसके बाद इन व्यापारियों ने धोखाधड़ी कर खुलेआम घूम रहे केवीएम डेवलपर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। दुर्ग पुलगांव के थोक कपड़ा व्यापारी संघ के पक्ष में रियल एस्टेट एक्ट रेरा का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुर्ग थोक कपड़ा मार्केट के समिति के अध्यक्ष अरुण दुग्गड़ ने बताया कि केवीएम डेवलपर को 36 प्लांट 45 भीतर के अंदर व्यवसायियों को आवंटित करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि केवीएम डेवलपर पर थोक कपड़ा मार्केट की स्थापना के समय इन व्यवसायियों से 128 प्लॉट आवंटित करने का एग्रीमेंट करते हुए पैसा प्राप्त किया था, किंतु जालसाजी और धोखाधड़ी करते हुए सिर्फ सिर्फ 92 प्लाट ही व्यवसायियों को आवंटित किए गए। बचे हुए 36 प्लाट फेज टू को आवंटित करने की बात कही थी, किंतु फेज टू का निर्माण फिर लगभग पूरा होने के बाद भी 36 दुकानों का आवंटन नहीं किया गया। इसके विरुद्ध थोक कपड़ा व्यापारी संघ ने रेरा में शिकायत की, जिस पर फैसला सुनाते हुए 36 प्लाट को 45 दिन के भीतर आवंटित करने का आदेश दिया गया है। बता दें, केवीएम डेवलपर्स के खिलाफ थोक कपड़ा व्यापारी संघ ने लंबी लड़ाई लड़ी है और तब जाकर ये फैसला आया है। इस संबंध में संघ के सचिव दिलीप बरमेचा ने जानकारी दी और बताया कि कपड़ा मार्केट में मानवीय मूल्य से जुड़े हुए सुविधाओं के मामले में अभी मामला विचाराधीन है, जिसमें डेवलपर द्वारा यहां पर अन्य सुविधाएं, जिसमें सार्वजनिक शौचालय, फुटकर व्यापारियों के लिए जगह, सड़कों का निर्माण गुणवत्ता पूर्वक सहित प्लांटेशन सहित विभिन्न कार्य भी नहीं किए गए हैं, जिस मामले में अभी फैसला नहीं आया है। इसके लिए भी वे लोग लगातार प्रयासरत हैं, ताकि आने वाले ग्राहकों को वहां मानवीय सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जा सके। बहुत सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में है, मैं हूँ दिलीप जैन, अभी सचिव हूँ। आप हैं प्रमोद जी पारक, आप भूतपूर्व सचिव हैं। आप स्वरूप जी चोपड़ा हैं और वर्तमान कुशल व्यक्तित्व हैं हमारे, वो अध्यक्ष हैं और सारे सक्रिय। दुर्ग थोक कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष अरुण दुग्गड़ ने यह भी कहा कि आदेश से प्रसन्नता की लहर व्यापारी वर्ग में देखी जा रही है, परंतु इकरारनामे में अनुबंध आवश्यक मानवीय सुविधाओं के लिए भी आदेश नहीं होने से मार्केट के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे में केवीएम डेवलपर्स पर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी व्यापारी समुदाय के द्वारा की गई है। इस संबंध में दुर्ग थोक कपड़ा पुलगांव मार्केट समिति संघ के अध्यक्ष अरुण दुग्गड़ एवं संघ के सचिव दिलीप बरमेचा सहित अन्य ने प्रतिक्रिया दी। डेवलपर्स और उनके पार्टनर्स से हमने एग्रीमेंट हुआ था और हमको 128 प्लाट बेचने का उन्होंने सर्व सुविधा युक्त प्लान दिया था, जिसका कि एग्रीमेंट हुआ है, परंतु उन्होंने 92 प्लॉट्स दे के ही बाकी प्लाट हमको आज तक दिया नहीं, जिसके लिए हमको विभिन्न न्यायालयों की सर कोई भी सुविधा उन्होंने दी नहीं है। आप भी एक मार्केट का एक दौरा करेंगे तो आपको सारा मालूम पड़ जाएगा, न तो यूटिलिटी है यहाँ पर, न तो ऑक्सीजन जोन है, एक भी वृक्षारोपण नहीं किया उन्होंने, और न स्मॉल वेंडर्स की कोई दुकान है, न गैरेज की कोई व्यवस्था है किसी भी तरह की। बहुत सारी उन्होंने पाइपलाइन लगा के सभी जगह पानी डाल सभी दुकानों में पानी पहुँचाने का भी एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट में लिखा था, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने एक कम्युनिटी हॉल बनाकर देने का कहा, पार्किंग कुछ भी उन्होंने दिया नहीं है, जो एक आदर्श मार्केट के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। ये सामाजिक स्तर में ऐसी कोई पहल हमने नहीं की है, परंतु एक स्वस्फूर्त जो बातें होती है कि समाज के मध्य वो उनकी काफ़ी उनको काफ़ी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है स्वाभाविक रूप। हमारी मांगे ये हैं कि एक तो हमारी जो 36 प्लॉट का हक है वो कोर्ट ने भी, रेरा कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है और सिविल कोर्ट ने भी उसके लिए स्टे दिया हुआ है, तो वो हमें तुरंत 36 प्लॉट की रजिस्ट्री 2024 को दिया ऑर्डर। डेवलपर को यही एक ही आदेश दिया है रेरा कोर्ट ने कि इनको 36 प्लॉट 45 दिन के भीतर विकृत करे, एक ही ऑर्डर दिया है, एग्री अनुबंध के अनुसार यही दिया है। और इसके अतिरिक्त जो हम की हमारी और मांगे थी उस पर रेरा कोर्ट ने भी अभी संज्ञान नहीं लिया है। हम अपने अधिवक्ताओं से सलाह कर रहे हैं और जो उचित जान पड़ेगा अधिवक्ता जो हमारे सलाह देंगे वो हम करने के लिए तत्पर हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ छल पूर्वक 92 दुकान दी और बाकी दुकान दे रहे हैं, जब पास होगा जब देंगे, यह कह के हमको आश्वासन देते रहे और आज तक दिया नहीं।
अब जब सन 2020 में बचत जगह का भी टाउन कंट्री प्लान विभाग से मंजूर हुआ तो भी हमको देने के लिए आनाकानी करने लगे, तो मजबूरी में हम सिविल कोर्ट में और रेरा कोर्ट में गए। KBM डेवलपर्स के सारे पार्टनर्स हैं, उसमें प्रमुख है ब्रिजमोहन खंडेलवाल, पन्नालाल जी गोलछा, किशोर कोठारी, राजेंद्र जैन, संभव जैन और अशोक सब ध्रुव निवासी हैं। और इसमें क्या है, 3-4 महिलाएं भी हैं पार्टनर, कंचन कोठारी और वर्षा पारक, कुसुमबाई देशलहरा। कारण सिर्फ पैसे की भूख, खुशी है और आपको खुशी गर्व से बताना चाहता हूँ कि अंततः सत्य की जीत हुई और रेरा कोर्ट ने आम जन के पक्ष में और हमारे व्यापारी के पक्ष में फैसला दिया है। पर मेरे को और उम्मीद थी कि सुविधाओं के लिए भी रेरा कोर्ट कुछ और ध्यान देता तो और ज़्यादा अच्छा होता। अभी हम चाहते हैं कि हमारे बाकी सदस्य जो सन 2007 में इनको एडवांस पैसा 36 प्लाट का दिए हैं, जो लेना है हमको, उसको शीघ्र हमारे नाम से रजिस्ट्री कराएं और भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो हमको रजिस्ट्री करा के सुविधाएं भी साथ में देंगे। मध्य में गली कुचों में व्यापार जो था, जिसको हमने शहर से बाहर खुली जगह में आम लोगों की सुविधा के लिए, ये व्यापार के लिए हमने इस जगह का चुनाव किया और उनसे हमने एग्रीमेंट किया सन 2007 में। तो उन्होंने सारी सुविधाओं देने का आश्वासन दिया जो लिखित में हमारे पास एग्रीमेंट में है। डेवलपर ने सारी तरह से गंदा ही काम किया है और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता है उसको शीघ्र से पूरा करें, और जो लोगों ने यहाँ पे धांधली की है उन पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले, दूसरों के साथ ऐसी गलतियाँ ना करें, ऐसी बेईमानी ना करें। अपना परिचय, प्रकाश जैन, कपड़ा मार्केट। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।